तो इस वीडियो में मैं कुछ अनरियलिस्टिक बात नहीं करने वाला हूं। मुझे भी पता है कि 25-30 हज़ार की सैलरी काफ़ी कम सैलरी होती है, और यहां पर इस वीडियो में मैं कोई ऐसी अनरियलिस्टिक बात नहीं करूंगा कि आप 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। हम कुछ रियलिस्टिक चीज़ों पर बात करेंगे। 25-30 हज़ार रुपये की अगर आपकी सैलरी है तो आप कैसे उसके बाद भी क्या चीज़ें करके अपनी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते, कुछ छोटी छोटी चीजों पे इस वीडियो में मैं बात करूंगा। अब जनरली हम लोग अगर 25-30 हज़ार रुपए की सैलरी कमा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सेविंग करनी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन साथ में मोस्टली ये भी चीज देखी जाती है कि जो लोग अपने करियर के अर्ली स्टेजेस में हैं, 25-30 साल की एज में हैं, वो लोग जनरली कॉर्पोरेट्स में 25-30 हज़ार रुपए की सैलरी कमाते हैं। तो आपके पास टाइम होता है कि उस सैलरी में से कुछ पैसा बचाकर, कुछ पैसे की बात कर रहे हैं, ये नहीं बोलूंगा मैं कि 10,000-15,000 रुपए, लेकिन कुछ पैसा बचाकर उसको रेगुलरली आप सेव कर सकते हैं। अब आपको एक चीज समझनी है, काफी सारे लोगों के पास ये सवाल में हमेशा ये चीज आती है कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचता है। तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा सीधे से समझनी है कि अगर आपकी कुछ कितनी भी सैलरी है, चाहे आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, 2 लाख रुपए सैलरी है, 15,000 सैलरी है, और आपका कुछ भी नहीं बचता है, तो कहीं ना कहीं आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं अपनी सैलरी से रिलेटेड। आप अगर रेंट पे रहते हैं तो आप जिस भी फ्लैट में रह रहे हैं वहां पर ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं जितना आपके फाइनेंस अलाउ नहीं करते हैं। आपने गाड़ी ली है, आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं भी आपने कुछ भी किया है, यानी कि आप कुछ अपने फाइनेंसेस में ऐसी गलती कर रहे हैं जिस वजह से आप कुछ भी पैसा सेव नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपने गाड़ी महंगी खरीद ली है, घर में किराए पे ज़्यादा महंगे पे रह रहे हैं, या फिर आपने फ़ोन वगैरह सब महंगा खरीद लिया है। जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा बैरियर आता है जो हमारी वेल्थ क्रिएशन में, स्पेशली जब हमारी सैलरी 25-30 हज़ार की कम इतनी सैलरी होती है, कि हम लोग ईएमआई पे बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं। कोई भी चीज़ होती है सबसे ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव लगती है, जो भी चीज़ उसको हम इजीली ईएमआई पे ले लेते हैं। वॉशिंग मशीन लेनी है, टीवी लेना है, ये जो ईएमआई का कल्चर है ये आपको अपनी इस सैलरी पे छोड़ना पड़ेगा। ये जो ईएमआई का कल्चर है ये सबसे बड़ा पहले तो आपको एक बैरियर आ रहा है जिस वजह से आप अपना पैसा नहीं कमा पा रहे। आपको एक चीज़ रियलाइज करनी होगी, खुद को समझाना होगा कि आपकी सैलरी कम है, और उन सैलरी के हिसाब से ही आपको अपने जितने भी मीन्स है लिविंग के उसको मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ अपना प्रेजेंट नहीं देखना है, उसके साथ साथ आपको फ्यूचर भी देखना है कि फ्यूचर में आपको एक अच्छी लाइफ जी सकें, आज भी जी सकें और उसके साथ साथ फ्यूचर में भी अच्छी लाइफ जी सकें। सारा पैसा आज ले लेंगे, लोन्स ले लेंगे इस छोटी सी सैलरी के हिसाब से, तो वो लाइफ टाइम आप लोन्स ही पे करते रह जाएंगे, और कब आप लोन पे करते करते 50-60 साल के हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और 50-60 साल के होने के बाद भी आपके पास कोई सेविंग नहीं होगी। तो इसमें आपको छोटी सी काम करनी है, बहुत बड़े अमाउंट की बात हम इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। 1,000-1,500 रुपये तो आप आराम से किसी भी सैलरी में, चाहे आप 20,000 रुपये भी कमाते हो, आप 25,000-30,000 कितनी भी सैलरी आपकी हो, 1,000 से 1,500 रुपये तो आप आराम से सेव कर सकते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, हमें लगता है कि 1,000-1,500 रुपये सेव करके होगा भी क्या, इससे अच्छा है कि कुछ और इससे मूवी दिखाते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। छोटे से छोटा अमाउंट जो भी आप सेव कर सकते हैं, जो भी आपकी सैलरी अलाउ करती है, 1,000 रुपये 1,500 रुपये, एक हैबिट बनानी जरूरी है सेविंग की और उसको इन्वेस्ट करने की। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको होप देने की कोशिश करने वाला हूँ, बिलीफ देने की कोशिश करने वाला हूँ कि 1,000-1,500 रुपये भी कम नहीं होते हैं अगर आप उसको सेव करते हैं। और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ समझनी है कि 1,000 रुपये पे, जब आप 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर आप सेफ प्ले करेंगे, आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाएंगे, आप FD में पैसा लगाएंगे, तो कभी भी आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होने वाली। 1,000 रुपये पे अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसका सीधा सा तरीका है कि आपको इस पैसे पे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना होगा, क्योंकि आपकी सैलरी कम है, तो अगर आपको वेल्थ ज़्यादा क्रिएट करनी है औरों से, तो आपको औरों से ज़्यादा रिस्क लेकर पैसा बनाना होगा। अब जनरली हम लोग इंडेक्स फंड को बहुत ज़्यादा लोग अब प्रमोट करते हैं, बोलते हैं इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए। देखिए, इंडेक्स फंड एक सेफर आइडिया होता है, जिन लोगों की अच्छी खासी वेल्थ बन गई है, जो 1-2 करोड़ रुपए की वेल्थ बना ली है जिन्होंने, उनके लिए इंडेक्स फंड एक अच्छी ऑप्शन है, वो उसमें पैसा लगाएंगे, एक सेफर ऑप्शन हो जाती है, हमें पता है 10-12% की रिटर्न मिल सकती है। लेकिन वो लोग जो सिर्फ 1,000-1,500 रुपए ही सेव करने वाले हैं, उनको
अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा रिस्क लेने के लिए इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा रिस्की एवेन्यूज में करनी होगी। अब सबसे पहले देखिए आप, मैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की यहां पर आपको रिटर्न्स दिखाता हूं। 5 सालों में आप देखेंगे 12% की रिटर्न है, 10 सालों में आप देखेंगे 14% की रिटर्न है। अब अगर हम यही पैसा निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड में बात करते हैं और उसमें लगा देते तो 10 सालों में आप देखिए 31% की रिटर्न है, 5 सालों में आप देखिए 23% की रिटर्न है। अब कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क थोड़ी ना है, सिर्फ डबल का फर्क है, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट पे बात आती है, अब हम बात करते हैं कि आने वाले 20-30 सालों में ये कम रिटर्न ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपने 10% पैसा यहाँ पर इंडेक्स फंड में कमाया होता, तो आप 30 सालों में 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट करेंगे तो 22 लाख रुपये की अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अब यही अगर आप यहाँ पर डबल कर देते हैं, 20% की रिटर्न पे अगर आप खेलते हैं, तो आप यहां पर देखिए पैसा आपका यहां पर 10 गुना से बढ़ा है, डबल पैसा नहीं आपका इंक्रीज हुआ है, डबल आपका ये पैसा नहीं हुआ है, 10 गुना आपके जो वेल्थ है वो क्रिएट हुई है। तो वो चीज आपको समझनी है कि परसेंटेज 2% आपको शायद लगता होगा कम है, लेकिन 30 सालों के पीरियड में ये जो डिफरेंस आ जाता है, ये जो डबल रिटर्न्स का नहीं है, ये 10 गुना पैसा क्रिएट करने पे है। तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है और आपकी सैलरी कम है, तो आपको रिस्क ज्यादा लेना होगा। आप याद रखिए कि रिस्क का मतलब है कि पैसा डूबने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली अभी तक ये देखा गया है कि जो स्मॉल कैप फंड्स हैं वो ओवरऑल लॉन्ग पीरियड 10 साल 12 साल 15 साल में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड में पैसा लगा देते हैं तो चांसेस हैं कि आपका पैसा लूज कर सकता है, लेकिन अगर आप 10-15 सालों में के लिए पैसा लगा रहे हैं, उससे ज्यादा पीरियड के लगा रहे हैं, तो स्मॉल कैप फंड्स एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर रहा है, और सिर्फ डबल रिटर्न्स आपको नहीं मिल रही है, आप कंपाउंडिंग अगर देखेंगे तो 10 गुना ज्यादा रिटर्न्स आपको यहां पर मिल रही है। तो वो चीज आपको यहां पर समझनी है। अब इसमें थोड़ा सा हम ये भी ऐड कर देते हैं कि 10% सैलरी आपकी हर साल ऐड होगी, और उस 10% सैलरी के हिसाब से आप अपना जो वेल्थ है, जो आप अपनी सेविंग है, वो भी सिर्फ 10% बढ़ाएंगे, यानी कि मान लीजिए आपकी अभी 20,000 रुपए की सैलरी है पर मंथ की, 22,000 हो जाएगी, और आप अपनी जो सेविंग है उसको 1,000 से बढ़ाकर सिर्फ 1,100 कर देंगे, 100 रुपए की सेविंग अपनी बढ़ा देंगे। इसको बोला जाता है स्टेप अप एसआईपी। अब अगर आप यहां पर स्टेप अप एसआईपी 10% से बढ़ा देते हैं सेम उसमें, तो आप देखेंगे आपकी वेल्थ 4 करोड़ तक की, सिर्फ 1,000 रुपए की बात हम यहां पर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बातें हम यहां पर नहीं कर रहे हैं कि 50,000 रुपए 20,000 रुपए 30,000 रुपए आपको सेव करने हैं, सिर्फ 1,000 रुपए पे अगर आप ज्यादा रिस्क लेकर थोड़ा सा पैसा लगाते हैं तो आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर एक चीज हमेशा से समझ कर चलनी है कि आप आराम से पैसा अपना सेव कर सकते हैं, लेकिन ये आपके मन में हमेशा ये बात बैठ जाती है कि 1,000 रुपए ही तो हैं, 1,500 रुपए ही तो हैं, इसको इन्वेस्ट करके क्या ही मिलने वाला है, क्या ही वेल्थ क्रिएट होगी, इससे अच्छा है कि कुछ और काम इससे कर लेते हैं, अपनी लाइफ जी लेते हैं। तो अपनी जो सैलरी है उसके 90% पैसा आप अपनी लाइफ जीने में लगाइए, क्योंकि 25-30 हज़ार सैलरी में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 30-35% अपनी सैलरी सेव कर लें। लेकिन अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए की सैलरी अपनी सेव करते हैं उस टाइम पे और धीरे धीरे सैलरी को, इस जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाना शुरू करते हैं, तो भी आप एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पर्पस मेरा यही है कि आपको ये बिलीव दिखाना कि 1,000 रुपए भी कम अमाउंट नहीं है अगर आप उसको सेव प्रॉपरली कर रहे हैं। अब आप इस 1,000 रुपए को FD में लगाकर छोड़ देंगे तो कोई भी आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके पास सेफ खेलने का ऑप्शन अभी नहीं बचा है अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। देखिए, अगर आपको पैसा कमाना है, बचाना है, एक वेल्थ क्रिएट करनी है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रिस्क तो आपको हमेशा लेना ही पड़ेगा, और वही चीज़ यहाँ पर अभी आपको करनी पड़ेगी अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आप 10-12% की रिटर्न भी कमा सकते हैं, उसमें आपकी बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, लेकिन जरूरी ये है कि आप इन्वेस्ट करें, छोटे अमाउंट से करें, 1,000 रुपए भी नहीं बचते हैं, 500 रुपए इन्वेस्ट करें, SIP करने की हैबिट बनाइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी रेलिवेंस आप अभी नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो में ये जो कंपाउंडिंग का आपको इफेक्ट है ये करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो 500, 1,000, 1,500 जितने भी रुपए आप सेव कर सकते हैं उसको सेव ज़रूर करिए, आपकी सैलरी कम नहीं है, आपको बस सेविंग स्टार्ट करनी है जिससे आप
अभी तक डर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि 1000 रुपए सेव करके क्या मिलेगा। तो ये चीज करनी जरूरी है। तो आज से ही जो भी आपकी सैलरी है, चाहे 15,000 रुपए भी आप कमाते हैं, 1000 रुपए अलग करना हर महीने बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उस चीज को शुरुआत करिए। एक बार ही आप शुरुआत करेंगे वो सबसे टफ पार्ट होता है शुरू करने का, एक SIP शुरू करने का, म्यूचुअल फंड में जाके अकाउंट खोलने का, वो टफ पार्ट है। वो अगर आपने निकाल लिया तो आपकी एक अच्छी खासी वेल्थ 20-30 सालों में अच्छी क्रिएट हो पाएगी। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।